हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने आधार कार्ड को सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आधार कार्ड डाउनलोड करने का लेटेस्ट तरीका बताऊंगा, जिससे आप काफ़ी आसानी तरीके से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्रोम को ओपन करना होगा। क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है eAadhaar.uidai.government.in। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया रखा है, तो आप वहाँ से भी इसे विजिट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पे यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोलेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में इस वेबसाइट को रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी प्रेफर यहाँ पर रहे, तो हिंदी इंग्लिश, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन पेज यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो काम करना है उसका ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है डाउनलोड आधार। तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने आधार कार्ड को आप 3 तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला आधार नंबर डाल के, दूसरा एनरोलमेंट आईडी डाल के, तीसरा वर्चुअल आईडी। तो मैं यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल के यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आधार नंबर को आपको चूज़ कर लेना है, यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना डालना है। तो चलिए दोस्तों आइए डालते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये कैप्चा जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऊपर, इसको यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा। तो मैं इसे फटाक से इसे फिल कर देता हूँ। OTP डालने के बाद दोस्तों हमें वेरीफाई और डाउनलोड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा आधार कार्ड जो है वो PDF फॉर्म में यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोड। तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पर ओपन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार लेटर PDF पासवर्ड विल बी इन 8 कैरेक्टर, यानी आधार कार्ड जब आप यहाँ पर PDF खोलेंगे तो यहाँ पर आपसे 8 कैरेक्टर यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया रखा है कि एग्जांपल इफ़ योर नेम इज़ अनीस वाई कुमार योर ईयर ऑफ, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका नाम ये यहाँ पर ये दिया रखा है और आपका जो आपकी सन जो है डेट ऑफ बर्थ में वो यहाँ पर इतनी है, तो यहाँ पर आपको अपने फर्स्ट नेम का यहाँ पर आपको 4 कैरेक्टर लेने हैं उसके कैपिटल में, और यहाँ पर आपको अपनी सन यहाँ पर ये नाम दिया रखा है ये सन। तो यहाँ पर इन्होंने 4 कैरेक्टर का यहाँ पर नेम ले लिया और यहाँ पर ये सन यहाँ पर डाल दी। 8 कैरेक्टर का यहाँ पर आपका पासवर्ड इस तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने पासवर्ड ये पासवर्ड नहीं, यहाँ पर आपको अपने नाम को डालना पड़ेगा, अपनी सन यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ये यहाँ पर आएगी एक एग्जाम्पल दिया रखा है। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को लॉगिन मतलब पासवर्ड जो है डालकर इसे आप एक्सेस कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पासवर्ड यहाँ पर आपको इस तरीके से एग्जांपल दिया रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू एंड तब रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो।